आयुष विभाग ने पतंजलि को नोटिस भेजा। पतंजलि ने किया था कोरोना की दवा बनाने का दावा। एनर्जी बूस्टर की दवा का लाइसेंस लेने के बाद कोरोना की दवा का प्रचार। कोरोना के नाम से नहीं बिक सकेगी राज्य में पतंजलि की दवा। 12 जून को किया था पतंजलि को लाइसेंस जारी। खांसी बुखार के लिए दवा का लाइसेंस किया गया था जारी, लेकिन उसकी आड़ में अब ये बात सामने आ रही है कि कोरोना की दवा बनाने का दावा पतंजलि योगपीठ ने कर डाला। और इसी को लेकर आयुष मंत्रालय ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है और यह भी कहा है कि कोरोना के नाम से नहीं बेची जा सकेंगी पतंजलि स्टोर में ये दवाएं। तो आयुष विभाग का पतंजलि को नोटिस, और इस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया था कि परमिशन किसी और बात की ली गई थी, लेकिन उस परमिशन की आड़ में एनर्जी बूस्टर दरअसल दवा का लाइसेंस लेने की आड़ में कोरोना की दवा का प्रचार करना शुरू कर दिया गया है। कोरोना के नाम से नहीं बिक सकेगी अब राज्य में पतंजलि की दवाएं। 12 जून को किया था पतंजलि को लाइसेंस जारी, लेकिन उसके बाद कल मंच पर खुलकर सामने आए बाबा रामदेव और निम्स के साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ जो दवाई का निर्माण किया गया, और दावा यह किया गया कि आयुर्वेदिक तरीके से दवा अब बना ली गई है कोरोना की, लेकिन उस पर अब आयुष विभाग ने साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह भी साफ कर दिया है कि दरअसल कोरोना नाम पर दवा बनाने के या दवा के निर्माण की अनुमति नहीं ली गई थी। 12 जून को किया था पतंजलि को लाइसेंस जारी, और उसके बाद कोरोना की दवा लेकर सामने मंच पर आए बाबा रामदेव। हालांकि खांसी बुखार से जुड़ी दवाई को बनाने की परमिशन ली गई थी, लेकिन कोरोना के नाम से अपप्रचार किया जा रहा है कि कोरोना की दवा बना दी है बाबा रामदेव ने। सौरभ भाटिया इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया, आयुष मंत्रालय ने क्या कुछ नोटिस जारी किया है और क्या अब जो कोरोना की दवा बनाने का दावा बाबा रामदेव ने किया था उस दवा की बिक्री हो पाएगी कि नहीं? फिलहाल जो है आयुष विभाग की तरफ से इस पूरी जो है बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उनके द्वारा साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो कोरोनिल किट के नाम से दवाई बेची जाएगी उस पर जो है पूरी तरीके से